वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को चॉकलेट कपकेक्स की रेसिपी दूंगी, और इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने लिए है पिसी हुई चीनी है, कैस्टर शुगर, ये घर की चीनी को मैंने पीसा हुआ है, और ये हमारे पास है 3/4 कप। 3/4 कप होगी, 1/4 कप को आप 3 दफ़ा ले लें तो ये 3/4 कप हो जाएगी। और ये मैंने मैदा लिया है, मैदा भी मैंने 3/4 कप लिया है। और ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, ये एक ही जर्दी अभी डालते हुए टूट गई थी, 2 अंडे हैं ये। और ये मैंने कोको पाउडर लिया है, कोको पाउडर है 1/3 कप। और ये मैंने कॉफ़ी सिरप लिया है, ये मैंने इसमें ये है 3/4 कप है, ये भी ये 1 कप है, इसके अंदर देख लें ये इतना खाली होना चाहिए, तो 3/4 हो जाएगा। और तकरीबन ये होता है 12 टेबल स्पून होते हैं ये, इतना मैंने पानी लेके इसमें जो है 1 टीस्पून कॉफ़ी डाल के इसको मिक्स कर लिया था, तो ये हमारा कॉफ़ी सिरप बन गया। और ये मैंने चॉकलेट ली है, चॉकलेट मैंने ली है, चॉकलेट थी 3 ounces चॉकलेट है, ये 3 ounces देख लें ये इतना बनता है, इतने इतने से ये 2 ब्लॉक हैं, ये 3 ounces हैं। और ये मैंने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है, और ये भी 1/2 टीस्पून है। और ये मैंने सिरका लिया है, वाइट सिरका है ये वाला, 2 टेबल स्पून। और ये वनीला एसेंस है 1/4 टीस्पून। और ये मैंने ऑयल लिया है, और ऑयल हमारे पास है 6 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी, और अब हम इसकी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हमने ये एक पैन ले लिया, इसको हमने फ्लेम पे रख दिया है, और इसके अंदर हम ये 3 चीज़ें डालेंगे, कॉफ़ी वाला जो हमारा सिरप था, और कोको पाउडर, और चॉकलेट। ये 3 चीज़ें हम इसमें डालेंगे, और इसको चॉकलेट को जो है मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। ये गर्म हो चुका था हमारा, इसके अंदर ये डालेंगे कोको पाउडर सारा। इसको हम 3 स्टेप्स में करते हैं ताकि फिर हमें इजी हो। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इसको इसमें ये डाल के इसको मेल्ट करते तक पकाना है। इस तरह से हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं, बस चॉकलेट मेल्ट हो जाए। अब हम इसका सेकंड स्टेप करते हैं। ये हमने एक बॉल ले लिया है, इसके अंदर हमने ये मैदा डालना है, जो हमारे ड्राई चीज़ें हैं ना ये सब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये चीनी है जो पिसी हुई चीनी थी, ये नमक, और ये सोडा, इनको हम मिक्स करके रख देते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ये देखिए, ये हमारा चॉकलेट वाला मिक्सचर रेडी हो गया था, ये देखिए इस तरह। अब हमने इसको ठंडा करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम अपना स्टेप 3 करते हैं। ये मैंने इसमें ये वाला जो हमारा चॉकलेट मिक्सचर था इसको मैंने ठंडा कर लिया था, 15 से 20 मिनट में ठंडा हो गया था ये। अब मैंने इसको इसमें डाल दिया, और अब हम इसके अंदर ये ऑयल ऐड करेंगे और बीटर से इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स किया है। अब मैं इसके अंदर ये 2 अंडे डाल दूंगी, और फिर इसको 1 मिनट के लिए बीट करूंगी। अब हम इसके अंदर वनीला एसेंस डाल देंगे, और ये वाइट विनेगर जो हमें लिया था वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए बीट करते हैं। अब ये जो हमारा ड्राई मिक्सचर था ये मैं 1/2 इसमें डालूंगी, और लो स्पीड पे बीटर से इसको मिक्स करूंगी। अब बाकी का जो 1/2 है वो भी डाल दूंगी, और बिल्कुल लो स्पीड पे इसको मिक्स करना है, बस इतना ही बीट करना है कि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, अब हमने बीटर से इसको मिक्स करके इसको अच्छे से इसकी साइड्स भी निकाल दी हैं स्पैचुला से, और ये देखें कितना अच्छा सा ये बन गया, इस तरह से ये इस तरह होगा। ये देखिए, अब हम इसको फिल कर लेते हैं अपने कपकेक्स को। ये मैंने कपकेक्स वाले ये ट्रे ले ली थी, 12 आते हैं इसमें, और ये इस तरह से मैंने इस पर लाइनर रख दिया था, इस पर कोई भी ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। अब हम इसको इस स्कूप वाले से जो है
इन सबको फिल करते हैं। और ओवन मैंने प्री हीट होने रख दिया था 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे, और हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 20 मिनट्स ही 180 डिग्री पे। इस तरह से मैं सारे फिल कर लूँगी। ये देखिए, ये हमारे सारे कपकेक्स जो हैं वो फिल हो चुके हैं इसमें, और ये जो मैंने फिलिंग बनाई थी ये 12 कपकेक्स के लिए है। अब हम इसको बेक करते हैं 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। मैं इसको ओवन पे करूँगी। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो आप लोग इसको किसी बड़े पतीले में भी कर सकते हैं। पतीला आप रख लें, उसके नीचे बेशक कोई जाली वाला रैक रख लें, अगर नहीं है तो बेशक ना रखें, ऐसे ही इस ट्रे को रख दें और नीचे जो है वो चूल्हा ऑन कर लें। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, जितना हम चावलों को दम देते हैं उससे थोड़ा सा तेज़ रखना है आपने। पर ये पतीले में ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसमें तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट्स लग जाएंगे। ये देखें, ये हमारे कपकेक्स जो हैं ये राइज हो गए हैं। अब तकरीबन 18 मिनट हो चुके हैं, बस 2 से 3 मिनट और लगेंगे तो ये हमारे फुल डन हो जाएंगे। ये हमारे चॉकलेट कपकेक्स रेडी हो चुके हैं। मैंने कुछ पे फ्रॉस्टिंग की और कुछ पे नहीं की, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद होती है और कुछ को नहीं होती, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।